हुई, बात नहीं हो पाई, टेलीफोन चल रहा था और टेलीफोन पर लेडीज़ की चीखने की आवाज़ें आ रही थी, तो ये साफ साबित करता था कि लेडीज़ के साथ बदतमीजी उस समय कुछ ना कुछ की जा रही थी। एक पार्षद के साथ इतना बड़ा कार्रवाई हो गई तो आम जनता क्या करेगी? अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है और मुझे तो बड़ी हैरानी है कप्तान के रवैये के ऊपर कि जिस प्रकार का ये रवैया हमारे शहर में पहली बार ऐसा हो रहा है। हमारे शहर में कभी इस प्रकार के उदाहरण नहीं हुए थे और जो सारी कार्रवाई रातों रात की गई है वो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है जिसकी जितनी से ज़्यादा निंदा की जाए वो कम है। और देखते हैं कल कोर्ट के अंदर पेश करेंगे, बाकी तो कानूनी लड़ाई वो लड़ेंगे। तो क्या अब तक गुमराह किया जा रहा है कप्तान के द्वारा? देखिए पुलिस अफसर जब कोई अपना गलत काम करता है तो उसको जस्टिफाई करता है। मुझे पूरी उम्मीद थी क्योंकि रात में जिस प्रकार से उठाया गया है तो वो रात में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब कप्तान किसी प्रेशर के अंदर कोई गलत एक्शन लेता है तो फिर वो अपने एक्शन को पूरा जस्टिफाई करता है। प्रेशर के अंदर का क्या मतलब आप समझते हैं कि क्या सरकार का प्रेशर? देखिए कोई ना कोई प्रेशर तो है, कोई ना कोई प्रेशर तो है। अगर प्रेशर नहीं होता तो कोई बलविंदर सिंह टेररिस्ट थोड़ी है जी, या कोई वांटेड क्रिमिनल थोड़ी है। वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपने घर पे रह रहा है। अगर कोई बात थी, कोई घटना हुई, उसकी जांच हो जाती, वो जांच में शामिल हो जाते। मुख्यमंत्री की जगह यहाँ ओएसडी साहब को छोड़ा गया है करनाल के अंदर, तो क्या उनसे बात की गई आपके द्वारा? जी किसके ओएसडी भैया, किसका मुख्यमंत्री? एक कमजोर लोगों के, कमजोर लोग हमारे शहर के नुमाइंदे हैं। कहाँ का मुख्यमंत्री, कहाँ का ओएसडी, कैसी बात करते हो आप? ऐसी ऐसी अवैध कॉलोनियां होती हैं वहाँ पर। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, वहाँ पर ये जो रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, वही वही सवाल करना चाह रहा हूँ। जो रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, जो रजिस्ट्री करते हैं, जो नक्शे पास करते हैं, जो बिजली के मीटर लगाते हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? देखिए एक चीज हमें समझनी होगी, आप बिल्कुल वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई गैर कॉलोनी कानूनी कट गई उसके प्लॉट की रजिस्ट्री कौन कर रहा है? तहसीलदार। उसकी रजिस्ट्री करने के समय स्टैम्प ड्यूटी कौन ले रहा है? हरियाणा सरकार। उसको रेजिडेंशियल प्लॉट के रूप में जब आप रजिस्ट्री करके स्टैम्प ड्यूटी लेते हैं और फिर उसके बाद जो आदमी खरीदता है, गरीब आदमी, उस प्लॉट को, वो उस पर मकान ही बनाएगा। तो उस समय जिस समय आप रजिस्ट्री करते हैं उस समय आप क्यों नहीं आप उस रजिस्ट्रियों को रोकते? और आफ्टर ऑल जिस भी म्यूनसिपल कमिश्नर के वो एरिया के अंदर पड़ता है, अगर कोई डिमोलिशन होगी तो आदमी सबसे पहले अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को फ़ोन करेगा और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का वहाँ पहुँचना बिल्कुल उसका राइट है, क्योंकि वो उसके वोटर हैं, उन्होंने उसको चुना है। अगर वो मौके में वहाँ गए थे और आप वीडियो देख सकते हैं कि उनके जाने से पहले डिमोलिशन हो चुकी है, DTP जिस काम के लिए गए हैं उस काम को पूरा कर चुके हैं। तो अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहां जा रहा है, पूछ रहा है कि उसके इलाके में क्या काम हो रहा है, तो उसका मतलब ये हो गया कि इसको आप रात को 11 बजे उसके खिलाफ FIR दर्ज करो और उसको उठा करके अंदर डाल दो। ये तो हमने कभी ऐसा ना देखा ना सुना। आप कानून के ज्ञाता हैं, क्या इतना बड़ा क्राइम हुआ था कि ऐसे रात को कार्रवाई की जाए और एक पार्षद के खिलाफ CIA द्वारा? मतलब हमने कभी ऐसा नहीं सुना, ये वेंडेटा के तहत ही की जाती है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपल्शन में। अरे मैं SP से आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, SP की शक्ल देखो ना आप, करनाल के कप्तान की जरा शक्ल देखिए, उसके बाद जवाब थोड़ी है कोई, मतलब भाई जवाब भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा। वो एक कमजोर और हताश अफसर के रूप में कुर्सी में बैठे नजर आ रहे हैं, तो साफ जाहिर हो रहा है कि भैया प्रेशर था। कोई टेररिस्ट रेड थी क्या कि आप 11 जिप्सी भेजो रात में, पुलिस को, लेडीज को धक्का मुक्की करो? ये शहर के अंदर ये गुंडागर्दी हुई क्या? तमाम पार्षद और भी साथ आए हुए और थे। किसके पार्षद भाई? ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई भाई बोल सकता है यहाँ? कहीं ये कारण तो नहीं कि वो आजाद बने हैं और बीजेपी से? कोई बना हो, चाहे बीजेपी की हो, कल को बीजेपी वालों के साथ हो जाएगा, इसमें बीजेपी या आजाद की तो कोई बात ही नहीं है। बात तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की है, बीजेपी के भी पार्षद या कांग्रेस का पार्षद हो या कोई भी हो, तो सर कहीं ना कहीं पार्षदों को भी इस रणनीति के तहत दबाया जा रहा है ताकि वह अधिकारी की किसी की शिकायत ना कर सके। भैया दबने वाले तो दबते हैं, वो कोई किसी को क्यों दबा लेता है? कोई गलत काम करते होंगे वो दब जाएंगे,
जो ईमानदारी से काम करेंगे वो क्यों दबेंगे, वो क्यों दबेंगे? ताकि पार्षद अपनी कमियों में दबते हैं, जो दबते हैं वो अपनी कमियों में दबते हैं। बलविंदर सिंह लगातार बेबाकी के साथ अपनी जो आवाज उठाते हैं, बलविंदर सिंह, ये बलविंदर सिंह, ये उनके देखिए बलविंदर सिंह एक बेहतरीन पार्षद है। मैं आज उनके इलाके के अंदर मैं शाम के समय गया, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना बेहतरीन काम बलविंदर सिंह जी ने अपने वार्ड में किया है वो काबिले तारीफ है। सेक्टर 13 से भी बेहतर वार्ड उन्होंने अपना वार्ड को बनाया है, जो कि और हमने उस इलाके को बचपन से देखा है। 15 साल पहले 10 साल पहले वो इलाका कैसा था, आज वो एकदम पॉश एरिया जो कन्वर्ट हुआ है वो बलविंदर सिंह की देन है, उसकी मेहनत की देन है। और उसका नतीजा ये है काम करने का कि ये जलालत जो है रात के 1 बजे ये मेहनत करने का नतीजा है। तो गिरफ्तारी दिखा दी है, गिरफ्तारी जो हम वो बता रहे हैं कि दिखा दी गई है, तो ये एक नतीजा मिल रहा है किसी ईमानदार पार्षद को ईमानदारी से काम करने का ये तगमा दिया है। तो जबकि पिछले अगर प्लान की बात करें तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो एसपी ऑफिस की दिखा रहे हैं, और फिलहाल ऐसी जानकारी मिल रही है कि बलविंदर सिंह जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 2 से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तमाम परिवार के लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप फिलहाल देख सकते हैं एक परिवार के जो तमाम लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं एसपी ऑफिस और उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया है एसपी गंगाराम पूनिया से, लेकिन फिलहाल जो है बातचीत जो है वो सामने जो निकल कर आ रही है, क्योंकि तमाम जो पार्षद हैं वो भी मौके पर पहुंच गए थे और कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंच गए थे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज पूरा घटनाक्रम क्या होता है वो पूरा हम आपको एक बार विस्तार से बता देते हैं। बूढ़ा खेड़ा के अंदर एक अवैध कॉलोनी है, लेकिन अवैध किस बात की है, क्योंकि जब वहाँ पर प्लॉटों की रजिस्ट्री हो गई है, मकानों की रजिस्ट्री हो गई है, नक्शे वहाँ पर पास हो गए हैं, बिजली के मीटर वहाँ पर लग गए हैं, तो भी वो अवैध कॉलोनी कैसे हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में एक जो पूरा अधिकारियों के साथ मेलजोल होता है वो वहाँ पर चल रहा होता है, और उसके बाद नगर निगम का पीला पंजा वहां पर पहुंच जाता है। वीरेंद्र राठौड़ जी यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, क्योंकि मेरा सवाल तब भी वहां पर यही था कि अधिकारी ही तो होते हैं जो रजिस्ट्री पास करते हैं, अधिकारी तो होते हैं नक्शे बनाते हैं मीटर लगाते हैं, लेकिन उसके बाद वही अधिकारी कॉलोनियों में जो मकान बनते हैं वो तोड़ने चले जाते हैं। ये बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि शहर में ऐसी रजिस्ट्रियाँ क्यों होती हैं। अगर रजिस्ट्री ना हो तो कोई गरीब आदमी अपना उसमें से सारी उम्र की कमाई एक मकान के ऊपर लगाने का काम करता है, अगर उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी तो वो कभी भी अपने पैसे को व्यर्थ नहीं लगाएगा। तो सिस्टम में सबसे बड़ी कमी है कि पहले तो प्रशासन रजिस्ट्री करता है, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेप्ट करता है, और फिर जब कोई गरीब आदमी 2 कमरे 3 कमरे अपनी सारी उम्र की कमाई से उस पर लगा लेता है तो फिर उसको तोड़ने का काम कर देता है। ये आज एक स्टेप और बढ़ के काम हो गया कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब लोगों की ग्रीवेंस सुनने के लिए वहाँ पहुँचता है तो आप इस प्रकार से फॉल्स केसेस को रजिस्टर करके और एक तानाशाही पूर्ण रवैया दिखा करके उसको रात को रेड करके उसको घर में से और उसको गिरफ्तार। जो कॉलोनाइजर होते हैं जो कॉलोनियाँ काटते हैं वो तब तो बड़ी बड़ी बातें भी बोलते होंगे, कुछ नहीं होगा, नगर निगम में हमारी बातचीत है, इधर बातचीत है, रजिस्ट्री हो जाएगी, नक्शा पास हो जाएगा। देखिए ये महकमा ही करता है, तहसील का महकमा और जो ये टाउन प्लानिंग का महकमा है, इन्हीं की नोज़ के नीचे इस प्रकार की कॉलोनीज कटती हैं, और ये जानते हैं कि भी इस प्रकार से इलीगल कॉलोनीज क्रॉप अप हो रही हैं। उस समय तो ये एक्शन नहीं लेते, कहीं ना कहीं उसी समय एक्शन ले लिया जाए तो शायद इतनी नौबत ना आए। वो तो ऐसी स्थिति कभी भी नहीं उत्पन्न होगी, कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। फिलहाल एसपी साहब से क्या बातचीत वगैरह हुई आपकी? एसपी साहब से हमने बात की है, एसपी साहब हताश हैं और एक कमजोर अफसर की तरह नजर आ रहे हैं, तो लगता है कि वो उन्होंने कोई किसी प्रेशर के अंदर एकदम से इमीडिएटली। किसकी शय हो सकती है आपको क्या लगता है? तो मैं नहीं कह सकता, बट शय है, ही सीम्स टू बी अंडर प्रेशर एंड एक कमजोर अफसर की तरह वो नजर आ रहे हैं, तो और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। क्या गिरफ्तारी वगैरह दिखा? हाँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी डाल दी है, तो उनकी जमानत वगैरह के लिए अब वो कल पेश करेंगे तो उस पे सारे सारे मामले। शायद परिवार वालों के पास काफी सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, तो वो भी क्या मीडिया के सामने रखे जाएंगे कि किस तरीके से पुलिस वहां पर पहुंची थी, किस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी की? दो चीजों का तो मैं खुद स्वयं गवाह हूँ।
11:13 के ऊपर मेरे को खुद उन्होंने SMS किया, मैंने शायद आपको दिखाया भी, आपने नोट किया होगा। और उसकी उनके SMS आने के बाद उसमें जब उन्होंने बताया कि घर में जबरदस्ती कर रही है पुलिस, तो मैंने कॉल बैक किया। मेरी कॉल रिसीव जरूर हुई पर वो बात नहीं हो पाई, कॉल चल रही थी उसमें लेडीज के घर की लेडीज की चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो मैं तुरंत मैंने जवाब दिया कि मैं 5 मिनट में वहां पहुंचता हूं। तो मुझे लगा कि कोई बड़ा हादसा वहां घटनाक्रम घट रही है। तो हम लोग वहां पहुंचे, तो उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं क्योंकि मैं उस समय तो नहीं पहुंच पाया था जिस समय उनको लेकर ले जा चुकी थी जब मैं पहुंचा, तो मैं अंदाजा लगा सकता था कि घर की लेडीज के साथ जबरदस्ती वहां पे कोई ना कोई हाथापाई या धक्का मुक्की निश्चित रूप से हुई होगी। तो CCTV वगैरह कल शायद, हाँ शायद वो बता रहे हैं कि CCTV कुछ फुटेजेस उनके पास हैं तो उनको देखने का काम। आप भी आसपास रहते हैं, क्या हुआ था, क्या पता चला था? नहीं साहब, हम यहीं पर रहते हैं और भाई साहब के साथ हम उनका हालचाल जानने के पहुंचे थे। तो उस दौरान फोन आया भाई साहब को, तो भाई साहब को हमें फोन आया भी ऐसे ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। और पीछे वहां गए तो बच्चे रो रहे थे, उनके बुजुर्ग यहां पर लात मार के बच्चे का जो फोन रिकॉर्ड करा था वो फोन खींच के ले गए और पुलिस वाले का फोन मौके पर गिर गया। उनका फोन भी है और जो वहां पर हरकत हुई वहां पर CCTV फुटेज के अंदर रिकॉर्ड की हुई है भी किस तरह बिना महिला पुलिस के अंदर घुसे और महिला के ऊपर कैसे उन्होंने मारा। पुरुष पुलिस वाले पुरुष पुलिस वालों ने और गन पॉइंट पे रख के वो लेके गए। इस चीज की उनपे CCTV कैमरे लगे उसके अंदर वो रिकॉर्ड है सारी घटना, उसके ऊपर आप जाके देख भी सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तमाम परिवार के लोग हैं। और फिलहाल जो है कल मीडिया के सामने शायद इनकी तरफ से अपनी बातें भी पूरी रखी जाएंगी और ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आगे जो है वो रणनीति बनानी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल के SP ऑफिस से दिखा रहे हैं जो माल रोड पर स्थित है। यहाँ पर परिवार के जो तमाम लोग हैं वो पहुंचे हैं। बलविंदर MC जो वार्ड नंबर 2 से पार्षद हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि CIA पुलिस घर पर पहुंचती है और उसके बाद CIA की जो टीम है वो उन्हें उठाकर ले जाती है। परिवार वालों का आरोप है कि जो उनके परिवार की बेटियां थी, महिलाएं थी, उनके साथ भी बदतमीजी की गई है। उसके बाद उनके तमाम साथी कुछ नेता SP गंगाराम पुनिया से मुलाकात करने पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर जो आकर पता चला है वो यही पता चला है कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज दिन के अंदर बुड्डा खेड़ा के अंदर जो है बलविंदर MC पहुंचे थे, जब नगर निगम का पीला पंजा वहां पर चल रहा था वो यही कह रहे थे कि ये ना तोड़ा जाए और जब उसके बाद तोड़ दिया जाता है तो उसके बाद सारी कार्रवाई सामने निकल कर आती है। आप समझ सकते हैं कि परिवार के लिए कितना एक मुश्किल भरा समय है क्योंकि उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने काम में बाधा डाली है जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बलविंदर MC ने भी, जो पार्षद हैं, उन्होंने भी एक शिकायत दी थी कि उनके साथ मारपीट हुई है, उन पर ईंट फेंकी गई है, जिसके बाद उन्होंने मेडिकल भी करवाया था। और फिलहाल इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो करनाल के SP ऑफिस से दिखा रहे हैं। एक बार जाते जाते परिवार से हम जरूर बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कल का जो घटनाक्रम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, फिलहाल क्या बात हुई है, गिरफ्तार कर लिया है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है? हाँ जी, गिरफ्तार कर लिया और SP साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, तब DC साहब के पास जाएंगे, देखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। CCTV फुटेज वगैरह भी है घर पर? फोन में है सब, सबकी बनी, सबके फोन, सब फोन में है सब कुछ, सबके हमने कहा। इलीगल तरीके से रात को आके उठा के ले जा सकते हैं तो इलीगल तरीके से वापस भी ला के दिखाओ, वापस भी आने चाहिए। और हम अपने पापा के लिए भी नहीं जाएंगे, ऐसे थोड़ी है, ये कोई गलत, ये अब हमारे साथ ऐसे हो रहा है, MC के साथ ऐसे हो रहा है, तो आम आदमी को तो जान से मार के जाएंगे, गोली मार के जाएंगे, जब हमारे सिर पे रख सकते हैं तो किसी को ठोक के भी जा सकते हैं। हमें अपने पापा वापस चाहिए बस। कितने बजे की घटना है, कब वो लोग आए? 11 बजे आए हैं रात को और इतनी गंदी तरह दरवाजे खटखटा रहे हैं, हमें लगा कि किसी को नीड है भी, रात को ऐसे लोग आते हैं हमारे घर, हम ताला नहीं लगाते हैं अपने घर पे, तो हमने खोला है तो ऐसे आए हैं और हमने वारंट मांगे तो वारंट भी नहीं दे रहे हैं। और फिर उन्होंने पहले हाथापाई स्टार्ट करी थी, पापा को मारने लगे ऐसे, तो फिर हम आगे अड़े उसके बाद, और जो उनसे फोन में वीडियो बनाई वो फोन भी ले गए हैं साथ में। उनका फोन भी आपके पास है? हाँ है। वो आपने SP साहब को बताया कि हमारे पास उनका फोन है, जो भी लोग थे वो? पता नहीं। तो कल का क्या कुछ रहने वाला है, किस तरीके से आप शिकायत अलग अलग प्रशासन के अधिकारियों के पास जाएंगे? अभी हम तो अभी रात को ही लेके जाएंगे।
जाएंगे हम सब अधिकारियों के पास जाएंगे, शिकायत करेंगे और अपनी रखेंगे, बात रखेंगे हम अपनी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, परिवार का दर्द आप समझ सकते हैं, परिवार का दर्द है। फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है, नेताओं का यही कहना है कि जो उनके साथी हैं उनका यही कहना है कि जो जमानत है वो लगाई जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन आप देख सकते हैं रात के 1 बजे का समय हो रहा है और 1 बजे आप देख सकते हैं 1:30 बजे कितना जो गहमा गहमी है वो माल रोड पर जो SP ऑफिस है वहां पर आपको देखने को मिल सकती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल के SP ऑफिस से हम आपको पूरा वाक्य बता रहे हैं। जाते जाते एक बार पूरा घटनाक्रम हम आपको बता देते हैं और उसके बाद ये देखना होगा कि कल क्या कुछ सामने निकल कर आता है। आज दोपहर के समय बूढ़ाखेड़ा के अंदर एक कॉलोनी पर नगर निगम की टीम पहुंचती है, वहां पर बुलडोजर चलाया जाता है, पीला पंजा चलाया जाता है। बलविंदर MC जो उनकी कॉलोनी का एरिया है वहां पर पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि ये मकान ना तोड़े जाएं। परिवार वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की गई। बलविंदर MC उसे रोकने का प्रयास कर रहे थे, ये आरोप बलविंदर MC पर लगाए गए कि उन्होंने काम में बाधा डालने का प्रयास किया। लेकिन बलविंदर MC ने भी एक एप्लीकेशन दी थी कि उनके साथ मारपीट हुई है। आज रात होते होते उन्हें उठा लिया जाता है CIA की तरफ से, फिर उनकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है, जिसके बाद परिवार वाले यहां पर पहुंचते हैं और परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि उनके साथ मारपीट भी हुई है, पुलिस वालों ने मारपीट भी की है, बदतमीजी भी की है, जिसकी वो शिकायत लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो पार्षद है उन्हें जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। कल क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। शुभरात्रि।